कृपक भारतीय कोऑपरेटिव संस्था अर्थात कृभकोन भारतामधील युरियाची गरज लक्षात घेऊन मागील वर्षीच्या तुलनेमध्ये 4 लाख मेट्रिक टनापेक्षा जास्त युरियाचा पुरवठा करावा अशी मागणी कृभकोचे जनरल बॉडी प्रतिनिधी संजीवनी उद्योग समूहाचे अध्यक्ष विपिनदादा कोल्हे यांनी पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेच्या प्रसंगी केल्या. नवी दिल्ली इथे कृभकोचे चेअरमन चंद्रपाल सिंह यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली सदरची ऑनलाईन सभा घेण्यात आली आहे. यावेळी कृभकोचे व्यवस्थापकीय संचालक राजन चौधरी यांनी प्रास्ताविक केलंय. देशभरामधनं कृभकोचे सुमारे 60 ठिकाणांवरनं या बैठकीसाठी सदस्य जोडले गेले होते. नागपूर, पुणे आणि कोपरगाव या ठिकाणी महाराष्ट्रामधील प्रतिनिधींनी आपला सहभाग नोंदवलाय. कोपरगाव येथील सहकार महर्षी शंकरराव कोले सहकार साखर कारखाना कार्यस्थळावरती पार पडलेल्या कृभक भारतीय कोऑपरेटिव्ह संस्था नवी दिल्लीच्या कृभकोच्या 40व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या प्रसंगी श्री कोल्हे यांनी मागणी केली आहे. मैं महाराष्ट्र की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं. लेकिन जो महाराष्ट्र में पिछले साल 4 लाख टन यूरिया 4 लाख टन यूरिया महाराष्ट्र को दिए थे, लेकिन ये साल महाराष्ट्र को 1,85,000 टन ऑफ यूरिया का सप्लाई हुआ है. हमें आपके लिए रिक्वेस्ट है कि महाराष्ट्र का 4 लाख टन यूरिया का आप हमें सप्लाई दीजिए. जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर पहले 45,000 टन्स महाराष्ट्र ने सेल किया था, ये साल अभी तक 1,25,000 टन्स कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर महाराष्ट्र ने सेल किया है. सिटी कॉम्प्लेक्स जो फर्टिलाइजर है, कंपोस्ट है, वो 5,000 टन महाराष्ट्र को लास्ट ईयर मिला था. हमारी आपको रिक्वेस्ट है कि ये साल 10,000 टन ये हम कंपोस्ट हमको दीजिए, और यूरिया जो 1,85,000 जो अब तक मिला है, ये साल बारिश बहुत अच्छी हुई है, पिछले साल 4 लाख टन यूरिया दिया था. तो मैं आप सभी डायरेक्टर एमडी साहब सबको हमारी रिक्वेस्ट है कि कृपया 4 लाख से भी ज्यादा यूरिया हमको दीजिए. और जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है हम तो सेल कर रहे हैं आपका, जिसका हम ज्यादा से ज्यादा हमने थ्राइस सेल किया है, 3 टाइम्स हमने सेल किया है. हमारी रिक्वेस्ट है कि हमको यूरिया का ज्यादा से ज्यादा सप्लाई कीजिए. धन्यवाद. योगेश डोखे, सी 24 तास, कोपरगाव.